उदाहरण चार, 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। हल, 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई क्रमशः 3:5:7 की होगी। अब हमने क्या किया है, जो 3:5:7 था उसको हमने उसकी लंबाई को 3:5:7 के मान लिया है। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि रेखाखंड की जो कुल लंबाई है वो 75 है, तो अतः हम लिखेंगे 3:5:7 के बराबर 75, या 7 और 3 10, 10 5 15 के 15 के बराबर 75, या के बराबर 75/15। अब क्योंकि हम जानते हैं कि 15 के पहाड़े में 75, 15 × 5 = 75 आता है, तो के का मान यहाँ पे हमने 5 प्राप्त किया। अब अतः रेखाखंड के एक भाग की लंबाई बराबर 3 के, हमने पहला माना था, पहला भाग 3 के का है, तो 3 × k का मान हमने 5 निकाला, तो 3×5=15 सेंटीमीटर। उसी तरह से दूसरे रेखाखंड के दूसरे भाग की लंबाई, रेखाखंड के दूसरे भाग की लंबाई बराबर हमने 5 के माना था, तो 5 के बराबर 5×k का मान 5 है, तो ये आ गया 25, 5×5=25 सेंटीमीटर। और उसी तरह से रेखाखंड के तीसरे भाग की लंबाई जो है हमारी 7 के है, तो 7×5=35 सेंटीमीटर होगी। अतः हमने यहाँ पे इनकी कुल लंबाई 15 सेंटीमीटर पहले भाग की, दूसरे भाग की 25 सेंटीमीटर और तीसरे भाग की 35 सेंटीमीटर लंबाई ज्ञात की। यह इस प्रश्न का हल होगा। करके देखें। पहला, 651 रुपए को अमित, अनिल व अंकिता में इस प्रकार बांटिए कि अमित को प्राप्त 1 रुपए पर अनिल को 5 रुपए तथा अंकिता को 25 रुपए मिले। दूसरा, रीचा को अपने गुल्लक में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्के 2:3:5:7 के अनुपात में मिले। उसने अपनी माँ को बताया कि उसके पास कुल 520 रुपए हो गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि रीचा को गुल्लक से 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के कितने कितने सिक्के मिले। उदाहरण
5। तीन छात्रों ए बी व सी में 11:13:17 के अनुपात में कुछ रुपए बांटे गए। यदि छात्र ए को 451 रुपए मिले तो बताइए छात्र बी व छात्र सी को कितने कितने रुपए मिले तथा कुल कितने रुपए बांटे गए। हल। तीन छात्रों ए बी सी में माना 11:13:17 रुपए बांटे गए। यदि छात्र ए को 45 रुपए मिले का हिस्सा 11:451 रुपए है या के बराबर 451/11, के बराबर 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 एकम 11, के का मान हमें 41 प्राप्त हो गया है। अतः हम छात्र बी व छात्र सी का हिस्सा भी अब ज्ञात कर सकते हैं। अतः छात्र बी का हिस्सा 13×41 = 533 रुपये। उसी तरह से हम तथा छात्र सी का हिस्सा भी ज्ञात करेंगे। छात्र सी का हिस्सा जो है 17 के है, तो 17 गुणित के का मान हमने 41 रुपये निकाला। 17×41 = 697 रुपये। अतः छात्र ए बी व सी तीनों के बांटे गए कुल रुपए बराबर छात्र ए को हमने निकाला, ये जो ज्ञात है हमारे पास 451 रुपए धन छात्र बी को हमने ज्ञात किया 533 रुपए और उसी तरह से छात्र सी को 697 रुपए। इसका कुल योग जो है 1661 रुपए 1681 रुपए। अतः छात्र ए बी एवं सी तीनों को बांटे गए कुल जो रुपए हैं वो 1681 रुपए होगा। यह इस प्रश्न का हल है।